हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं वडोदरा से होम शेफ पूनम जैन, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सत्तू का पराठा विद आलू का चोखा। आपको कुछ कुछ वर्ड सुने हुए लग रहे होंगे, सत्तू चोखा, तो ये जो बिहारी डिश होती है लिट्टी चोखा, उसी का मैंने थोड़ा और इजी वर्जन कर दिया है। लिट्टी चोखा में बाटी जैसी बनाई जाती है और उसे आलू के चोखे के साथ सर्व किया जाता है, तो मैंने बाटी की जगह आज सत्तू का पराठा बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सत्तू चाहिए होता है हमें मेन, क्योंकि सत्तू की ही फिलिंग करनी है पराठे में। एकदम बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन, चाट मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची। आपको अगर ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो सरसों का तेल लेना है, नहीं तो ये ऑप्शनल है। बट अगर आपको एग्जैक्टली वही टेस्ट चाहिए तो मैं आपसे कहूँगी कि आप सरसों का तेल ही प्रेफर करें। आटा जो हम रेगुलर लगाते हैं उसमें थोड़ा मैंने घी का मोरन डाला हुआ है, और आलू के चोखे के लिए बॉइल्ड और मैश्ड आलू है, ग्रीन चिलीज है और घी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको चोखा बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बॉइल्ड और मैश्ड आलू लिए हुए हैं। इसमें हम एकदम फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज ले रहे हैं। एकदम फाइनली चॉप्ड ऑनियन ले रहे हैं। फाइनली चॉप गार्लिक ले रहे हैं। ग्रीन चिलीज भी लिए तो रेड चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। चाट मसाला, चाट मसाला है तो सॉल्ट टू टेस्ट। चॉप्ड हरा धनिया, थोड़ा सरसों का तेल। ये सबको हमें अच्छे से मिक्स करके रखना है। हेलो प्रिंसी मैम, थैंक यू सो मच। आप इसमें मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारा चोखा तैयार है, जिसे हम लिट्टी के साथ भी खा सकते हैं और आज मैं पराठे के साथ सर्व करने वाली हूँ। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, एज पर योर टेस्ट। हम सत्तू की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। ये सत्तू का आटा है, ये मेनली बिहार में मिलता है, लेकिन आजकल दूसरे स्टोर्स वगैरह पे, मॉल्स वगैरह में आपको अवेलेबल है। इसमें भी फाइनली चॉप्ड ऑनियन डालना है। थैंक यू अर्चना मैम। गार्लिक, हेलो रिंकू जी। इसमें मैं थोड़ा फ्रेश लेमन जूस भी ले रही हूँ, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें भी मस्टर्ड ऑयल जाएगा,
क्योंकि बिहार के डिशेस सब में मस्टर्ड ऑयल ही जाता है। और अगर आपके पास अचार है घर का बना हुआ तो अगर आप वो ऑयल डालेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल हम अच्छा लेते हैं ताकि हमको पराठे को बेलने में प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए, ये ऐसा चाहिए हमें इसका टेक्सचर, ऐसा। पराठा बनाना है उसके लिए मेरा आटा रेडी है। ये जो हमारा नॉर्मल आटा होता है गेहूं का, मैंने वही लिया है। बस इसमें मैंने थोड़ा घी का मोरन डाला हुआ है ताकि पराठे आपके थोड़े सॉफ्ट बने। और ये जो हमने अभी सत्तू की फिलिंग बनाई है इसी से हम पराठा बनाते हैं। और सेम ही तरीके से आप बाटी भी बना सकते हैं, जो लिट्टी बोलते हैं। इसके अंदर एक लोया बनाकर, मैं आपको बाटी बता देती हूँ पहले, और उसको इस तरह से करना है। और फिर ये स्टफिंग हम इसमें फिल करके उसको ऐसे पैक कर देते हैं और गैस तंदूर पे हम फिर उसे सेक लेते हैं। बट इस वक्त हम अभी पराठा बनाएंगे। हम लोग एक से गैस ऑन कर देंगे। नॉर्मल लोया बनाना है आपको। Did you use salt in the dough? Yes. आप चाहें तो थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं। इस स्टफिंग को हमको बीच में इस तरह से रखना है, जैसे हम दूसरे पराठे बनाते हैं आलू के, पनीर के, कोई भी, उसी तरह से ये बनाना है। और इस तरह से इसे ऊपर से सील करना है। ये जो एक्स्ट्रा आटा है बीच का, ये हटा दीजिए। इस तरह से हम ये बीज का आटा हटा देंगे। और एकदम हल्के हाथ से बेलना है क्योंकि इसमें हमने प्याज वगैरह डाला है तो इससे फटने का चांस रहता है। ये देखिए, एकदम हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है।
कल छठ पूजा थी, बिहारों का सबसे बड़ा मेन फेस्टिवल होता है, उसी से रिलेट लेके मैंने आज आपकी ये डिश ली है, सत्तू के पराठे। और ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया, तो ये मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ। आप इसे सेम मीठा भी बना सकते हैं, इसमें सॉल्ट बाकी मसाले अवॉइड करके पीसी हुई शक्कर या गुड़ का पाउडर मिक्स करके मीठा भी बना सकते हैं, और उसमें घी डालिएगा तेल की जगह। ये मैं साइड चेंज किया, मैंने पराठे का ये एक साइड से सिक चुका है, ये मैंने भी चेंज किया है। ये पराठा हमें अभी घी से सेकना है। सुचित्रा मैम, वी हैव फिलिंग में क्या लेना है? सत्तू। वी हैव पुट सत्तू इन द फिलिंग। We will recap the recipe at the end. ये भी मैं दूसरा पराठा आपको सेक के बता रही हूँ। एक पराठा हमारा रेडी है, दूसरा मैं भी सेक के बता रही हूँ। ये थोड़ा क्रिस्पी है, इस पर हम घी लगाते हैं, और थोड़ा सा उसमें ऐसे करके अगर आप घी डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है, अंदर तक घी जाएगा, तो फिर आपको लगेगा बाटी ही खा रहे हैं। सुष्मिता मैम, वी विल रिकैप द रेसिपी एट द एंड, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। ये देखिए, इसे हमें घी लगाकर ही सेकना है। तो ये हमारा सत्तू का पराठा विथ आलू चोखा रेडी है। इसमें भी आप थोड़ा सा चम्मच या चक्कू से ऐसे करके होल और घी डालिए, ये बहुत टेस्टी लगेगा। आई होप देयर आर नो मोर क्वेरीज। हम इसे आलू के चोखे और दही के साथ सर्व करेंगे। ये आलू के चोखे को मैंने सर्व किया इसे। ग्रीन चटनी, चिलीज जो बिहार में बहुत पसंद की जाती है स्पेशली,
और ये हमारे सत्तू के पराठे रेडी है एकदम। ये मैंने इसे बीच में से कट किया, आप देखिए अंदर से स्टफिंग है, ये पूरा सत्तू इस तरह से रहेगा अंदर। रश्मि मैम प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, वी विल रिकैप द होल रेसिपी अगेन। सो इधर हमारा आलू का पराठा विथ लिट्टी चोखा इज रेडी टू सर्व। मैं रिकैप कर देती हूँ एक बार रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने बनाया है आलू का सत्तू का पराठा विद आलू का चोखा। सत्तू के पराठे के लिए हमें सत्तू चाहिए रहता है, ये आपको कोई भी स्टोर में मिल जाएगा, अभी इजीली अवेलेबल है। जनरली बिहार में मिलता है, जो देसी चने होते हैं उसे सेक के और ग्राइंड किया जाता है। उसमें फिर मैंने ग्रीन चिलीज और एकदम बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और मसाले डाले हैं, नमक मिर्ची और थोड़ा नींबू का जूस और चाट मसाला और सरसों का तेल, क्योंकि हमें अगर ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो हमें सब डिशेज में सरसों का तेल लेना होता है। उसे अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग करके पराठा बनाया है। और चोखे के लिए मैंने बॉइल्ड आलू लिया है, उसमें लहसुन प्याज हरी मिर्ची और ये सब मसाले मिलाए हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा डिश आलू के पराठे विद लिट्टी चोखा इज रेडी टू सर्व। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू रिंकू मैम फॉर योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अमूल, जिन्होंने मुझे वापस तीसरी बार आने का चांस दिया है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। नाउ वी मे एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन।